दोस्तों, आपने आज तक मार्केट में अंडे से लेकर मसाले तक ना जाने क्या क्या नकली बनते देखा होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी नकली चीज की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस, जिसे अमीर हो या गरीब, मोदी जी हो या अंबानी, हर कोई खाता है। और इस चीज का नाम है चावल। देखिए, वैसे तो चावल को सबसे पौष्टिक माना जाता है, लेकिन चीन की चाल ने इसे भी बर्बाद कर दिया है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि फैक्ट्री में नकली चावल कैसे बनाए जाते हैं। तो बांध लीजिए अपनी कमर पेटियों को और हो जाइए तैयार। दोस्तों, चावल बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले सफेद प्लास्टिक को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके लिए फ्रेश और वेस्ट दोनों तरह के प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कई बार नकली चावल बनाने के लिए पुराने प्लास्टिक को कबाड़ी से भी खरीद लिया जाता है, जो इन कंपनियों को बहुत आसानी से और सस्ते दाम में मिल जाती है। एक बार जब प्लास्टिक इनके हाथ लग जाती है, तो ये उसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से वॉशिंग एरिया में लेकर जाते हैं, और एक बार ठंडे पानी से, एक बार हल्के गर्म पानी से इन प्लास्टिक को अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लिया जाता है। प्लास्टिक को साफ करने के बाद बारी आती है उस पर लगे पानी को उससे अलग करने के लिए, जिसके लिए फैक्ट्री के वर्कर्स इन प्लास्टिक को करीब आधे घंटे के लिए खुली हवा में छोड़ देते हैं। एक बार जब सभी प्लास्टिक से पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं, तो फैक्ट्री के वर्कर इसे ट्रॉली में भरकर एक कटिंग मशीन में लेकर डाल देते हैं। यह मशीन सभी सफेद पनियों को बहुत ही छोटे छोटे और लंबे तारों में बदल देता है। जब इन धागों को मशीन में तैयार किया जाता है, तो उसके टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाता है। प्लास्टिक की इन गर्म धागों को पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है, जिससे कि इसकी हार्डनेस रियल राइस के चावल तक बढ़ जाए। धागों को ठंडा हो जाने पर इसे चावल बनाने के लिए मशीन में डाला जाता है। इस तरह से जो चावल बनता है, उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये प्लास्टिक के नकली चावल हैं, क्योंकि इसे बनाते वक्त सभी पहलुओं पर बड़ी ही बारीकी के साथ कवर किया जाता है कि ये देखने पर बिल्कुल नेचुरल की तरह ही लगे। प्लास्टिक के चावलों को कई साइज में तैयार किया जाता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में नेचुरल प्राइस भी कई शेप्स और साइज में अवेलेबल होते हैं, और फिर इस चावल को उसी के साइज वाले रियल चावल में मिक्स करके मार्केट में सेल किया जाता है, और हमारी और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आप असली और नकली चावल में फर्क कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि चावल को जलाकर देखना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये रास्ता बहुत आसान है। आप थोड़े से चावल को आग से जलाकर देखें, और अगर आप पाते हैं कि उसमें से प्लास्टिक जलने की स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपको भी किसी ने नकली चावल पकड़ा दिया है। और अगर ये चावल जल जाए, तो आप समझ जाइए कि आप सेफ जोन में हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें, और अगर आप ये Facebook पर वीडियो देख रहे हैं, तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर लें। फिलहाल के लिए आज इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।